सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, और वहीं सोयाबीन के साथ साथ मक्का और गेहूं की कीमतों में भी तेजी लगातार बरकरार है। अमेरिका में सोयाबीन की सप्लाई काफी कम बताई जा रही है और निर्यात में भी गिरावट देखी गई है। बात करें अगर अर्जेंटीना और ब्राजील की, तो वहां पर मौसम सोयाबीन के प्रतिकूल है। अर्जेंटीना और ब्राजील में सूखे के हालात देखने को मिल रहे हैं, वहीं वहां मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अभी और सूखा देखने को मिल सकता है, जिसका असर सोयाबीन और मक्के की फसल पर बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अर्जेंटीना में इस बार बारिश न के बराबर बताई जा रही है, जिससे सूखे की स्थिति और ज्यादा पैदा हो सकती है। सूखे की स्थिति से अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों जगह सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जानकारों द्वारा बताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल ब्राजील में लगभग 137.3 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। वहीं जानकारों के अनुसार 2021-22 में ब्राजील का सोयाबीन का उत्पादन लगाए गए अनुमान से काफी कम रह सकता है। जानकारों की माने तो 2021-22 में ब्राजील का सोयाबीन का उत्पादन 144.7 मिलियन टन रहने की उम्मीद थी, लेकिन सूखे के चलते इस बार उत्पादन घटकर लगभग 133.4 मिलियन टन रह सकता है। विदेशों में सोयाबीन की सप्लाई अगर डिमांड के मुकाबले कम रहती है तो कीमतों में तेजी आएगी, और इसका असर भारत में भी सोयाबीन समेत खाद्य तेलों के बाजार पर देखने को मिल सकता है। वर्तमान में किसानों ने सोयाबीन को फिर से स्टॉक करना शुरू कर दिया है और मंडियों में निरंतर सोयाबीन की आवक में गिरावट जारी है। वहीं जानकारों के अनुसार हाजिर में सोयाबीन में आगे तेजी बन सकती है। किसानों ने जो सोयाबीन को स्टॉक करने का फिर से निर्णय लिया है, उनके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। किसानों को सोयाबीन में काफी सतर्कता बरतनी चाहिए और किसी भी अफवाह से दूर रहना चाहिए, ऐसा जानकारों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी।